कैसी फीलिंग है ये? फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही है. लाइक फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड. मैं डे वन से मैंने जो चीज़ को चाहा मैंने उसे पाया. लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि सेल्फिश है, अपॉर्चुनिस्ट है, ये है, वो है, बट आई थिंक व्हाट मैटर एट द एंड ऑफ द डे इज की ट्रॉफी मेरे हाथ. राइट. एंड सो ना फर्स्ट डे से डेडिकेटेड होने के बावजूद सब लोग ये कह रहे हैं कि नेजी मेरा दोस्त था, रहेगा और हमेशा रहेगा. आई थिंक नेजी इस चीज़ का बहुत अच्छा जवाब दे सकता है कि मैंने उसकी दोस्ती का फ़ायदा उठाया है कि नहीं उठाया. मैंने हमेशा उसे अपलिफ्ट किया है. अगर किसी को अपलिफ्ट करना आप फ़ायदा उठाना कहते हैं तो आई एम रियली सॉरी. मैंने हमेशा नेजी को ऊपर उठाया है और नेजी के साथ मैं टॉप 2 में खड़ी थी. और नेजी मेरे लिए मैंने जो प्रिडिक्ट किया था, मुनव्वर जब आए थे तो मैंने नेजी को टॉप 3 में बोला था और मैंने कहा था कि मैं चाहूँगी नेजी जीते. तो इसे फ़ायदा नहीं बोलते, इसे दोस्ती बोलते. सुना ये नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है. लोग बोल रहे हैं कि आप अनडिजर्विंग थे टोटली, स्टिल भी आपको ट्रॉफी मिल गई. सी आई वुड से कि ट्रॉफी उसी के हाथ में होता है जो सच्चा होता है. एंड आई थिंक मैं डे वन से मैंने बहुत फोकस और मैं बहुत दिल से खेली थी. मैं जैसी हूँ मैं वैसी रही हूँ. तो जो भी सच्चे होते हैं या जो भी अच्छे होते हैं लोग हमेशा उसे टेम करने की कोशिश करते हैं. तो मैं वो शेरनी थी जिसने सोचा कि ये टेम होगी, बट मैं टेम नहीं हुई. तो अगर उन्हें मैं अनडिजर्विंग लगती हूँ तो ये उनका कॉल है, बट जनता की नज़र में मैं डिजर्विंग और उन्होंने मुझे जिताया है. सो आई थिंक मेरे लिए वो जीत. रणवीर शौर्य जिन्होंने आपको हमेशा डीमोटिवेट किया है या मैं कहूँगी नीचे गिराने की कोशिश की है, हाँ, तरह तरह यूज़ किए हैं उनके कॉन्फिडेंस जिस हिसाब से घटा है कि उनको लगता था कि वो शो जीतेंगे और आप जीत गए, आप इस बारे में क्या? आई थिंक आपके ही आंसर में आपको ही आपका जवाब मिल गया है. आप खुद हंसते हुए कह रही थी कि उनको जवाब मिल गया आपने. तो आई थिंक मैंने जो ट्रॉफी लिफ्ट की वो टॉप 2 में भी नहीं आए थे, वो टॉप 3 से ही अलविदा हो चुके थे. वो टॉप 3 तक पहुँचे उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, बट मैं उन्हें विजेता बोलती थी. मुझे उनकी जर्नी काफ़ी अच्छी लगती थी. वो बहुत ही उन्होंने मुझे कुछ चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वो भी वही चीज़ रिप्रजेंट कर रहे थे. वो भी ज़िद्दी थे, वो भी नकचड़े थे, वो भी उन्होंने भी बहुत जगहों पर मुझे डिमीन किया, मैंने भी उन्हें डिमीन किया. बट उस शो तो रणवीर जी मैं उनके लिए कुछ कमेंट नहीं करूंगी. एक फ्रेंड्स का जो ग्रुप बना था उनके साथ पार्टी करने का कब इरादा है, अपनी जीत को सेलिब्रेट? एक्चुअली यस, हम 2 जन बॉम्बे से, 3 जन बॉम्बे से, मैं नेजी और विशाल और शिवानी और लवकेश. शिवानी कानपुर से है, लवकेश गुड़गांव से है. अरे रुको, बोल रहे हैं. तो आई एम जस्ट वेटिंग. अभी सब यू नो हम 40 दिन घर से दूर थे तो अभी सब अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. तो यस, आप हमें देखेंगे ज़रूर. द बमाई सॉन्ग, आई विल लव टू, ट्रस्ट मी. मैंने नेजी को बोला है बमाई तो मेरे लिए गाना लिखेगा एंड आई एम श्योर वो मेरे लिए गाना लिखेगा. नेजी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा. उसने मेरा हाथ एंड तक नहीं छोड़ा, वो मेरा हाथ पकड़ के रखा. एंड आई थिंक उस घर में आप टूटते हो, बिखरते हो, बट वो बंदा मेरे साथ था. सो आई थिंक नेजी के लिए मैं बस ये बोलूँगी, ही इज़ माई बमाई फॉर एवर. अंडरस्टैंडिंग के साथ निकले, लेकिन बाहर इंटरव्यूज में रणवीर सर ने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बहुत. मैंने उनको इतना कुछ नहीं, नो इट वाज इन फेक. मैं अभी भी यही बोलूंगी कि मैं जब उस घर से निकली मैंने पीस आउट बोल के निकला था, बट उनका जो रिएक्शन था वो मेरे प्रति बहुत गलत आया है. वो बाहर आके बहुत सारी चीज़ें बोलने लग गए. तो आई थिंक जब आप हारते हो तो आप ये चीज़ बोलते हो. तो आई थिंक मैं अभी भी यही बोलूँगी, इट्स अ पीस आउट साइन फॉर मी. मैंने सारी चीज़ें घर पे दफना के आई हूँ और मैं इसी के साथ पॉजिटिव लाइट में बाहर निकलना चाहूँगी और मैं पॉजिटिव लाइट में हूँ. ऑलराइट, थैंक यू.